गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा Samsung Galaxy M01 एंड ऑल एंड्रॉइड डिवाइस में आप लोगों को मैं बताऊंगा डेटा ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली गाइस मैं छोटा सा मेथड बताऊंगा, आपके पास जरूर से गाइस डेटा केबल जरूर से होगा, तो मैं अभी सिंपली आपको दिखा देता हूँ डेटा केबल किसे बोलते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि आप डेटा केबल किसे कहते हैं। तो ये इस तरीके से डेटा केबल लेना होगा एंड उसके साथ साथ गाइस आपको एक OTG भी लेना होगा। जस्ट OTG आपको नहीं मालूम तो स्क्रीन पर देख लो, ये है OTG। सिंपली गाइस OTG से आप लोग अपना सिर्फ डेटा आप देख सकते हो, डेटा इस मोबाइल से उस मोबाइल में ट्रांसफ़र कर सकते हो एंड किसी भी अनदर कंप्यूटर से भी कनेक्ट कर सकते हो अपना डेटा को। तो सिंपली गाइस मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से आप लोग कर सकते हो डेटा को ट्रांसफ़र एंड डेटा आप किस तरीके से देख सकते हो। तो सिंपली गाइस मेरे पास जो OTG वाला पार्ट है उसको मैं अपने दूसरे फ़ोन के डिवाइस पर लगाऊंगा, जैसे कि सिंपली गाइस अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूं तो किस तरीके से आप लोग करना है। तो सिंपली गाइस मैं यहां पर थोड़ा सा फ़ोन को थोड़ा पास में ले जाता हूं एंड जस्ट गाइस यहां पर मैं कैमरा को ओपन करता हूं। गाइस कैमरा को ओपन करने के बाद जस्ट देखो गाइस यहां पर मेरे पास एक USB है, तो सिंपली मैं अपने फ्लैश लाइट को ऑन कर लेता हूं। तो सिंपली गाइस इधर से मैं ऑन कर लेता हूं अपने फ्लैश लाइट को। यहां पर गाइस मैं जैसे ऑन किया, जस्ट यहां पर ऑन करने के बाद गाइस इसको ना मैं अपने फ़ोन के पीछे भी लगाऊंगा, जो यहां पर चार्जिंग पॉइंट है वहां पर, ठीक है। तो सिंपली मैं इसको कनेक्ट करता हूं। उसके बाद गाइस यहां पर मैं इस फ़ोन को रखता हूं साइड में। रखने के बाद सिंपली इस फ़ोन को मैं रखता हूं, रखने के बाद इसको मैं कनेक्ट करता हूं। कनेक्ट करने के बाद गाइस मैं इस फ़ोन में भी अपना स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन किया हूं, तो सिंपली गाइस कनेक्ट हो गया। सिंपली देखना गाइस यहां पर, उसके बाद गाइस जो ये वाला आपके पास है, जो ये वाले देख सकते हो गाइस, जो मैं फिर से आपको दिखा देता हूं। अब ये वाला पार्ट जो है ना गाइस, इसको अपने Samsung फ़ोन में डालना है, अब इसको Samsung के फ़ोन में लगाना है सिर्फ, ठीक है। तो उसमें क्या करना होगा, सिंपली गाइस इधर से मैं इसको मैं डाल देता हूं अपने दूसरे फ़ोन के इसमें, तो यहां पर चार्जिंग का एनिमेशन ज़रूर आएगा, ठीक है। चार्जिंग यहां पर आपका कन्फर्म हो गया। उसके बाद देखना अलाउ एक्सेस टू फोन डेटा, सिंपली गाइस अलाउ पे क्लिक करना होगा एंड अगर ये आपको नहीं होता है ना, आपके फ़ोन में गाइस OTG को कनेक्ट करना होगा, मतलब दूसरे फ़ोन में OTG को सिंपली ऑन करना होगा। सिंपली गाइस OTG कनेक्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, सिंपली सेटिंग में आना होगा। अगर आप Samsung का फ़ोन यूज़ करते हो तो उसमें OTG कनेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया है, सिंपली डायरेक्टली आपका कनेक्ट हो जाता है। सिंपली यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो OTG, जैसे सर्च करोगे तो यहाँ पर OTG का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली गाइस यहाँ पर सर्च करके OTG को यहाँ पर नीचे से यहाँ पर OTG का ऑप्शन है, इसको ऑन कर देना होगा। सिंपली गाइस आपका ऑन हो गया OTG सर्च करके सेटिंग में। तो सिंपली गाइस OTG को कनेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर देख सकते हो फाइल वाला ऑप्शन आ जाता है। सिंपली भाई फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के जस्ट ओपन क्लिक करेंगे, करने के बाद गाइस देख सकते हो ये जो मेरा ब्लूटूथ का एंड्रॉइड वर्जन है, सब एंड्रॉइड वर्जन बोला हूँ, ये सारा का सारा ब्लूटूथ डाउनलोड में अगर देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा ब्लर आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये थोड़ा पर्सनल फोटोज वगैरह है जो इस फ़ोन में है। तो गाइस इस फ़ोन में आप लोगों को दिखा देता हूँ वो फोटोज वगैरह मेरा कहाँ है, डाउनलोड वाले फोल्डर में आपको अभी दिखाता हूँ तुरंत। तो सिंपली गाइस यहाँ पर मैं इंटरनल स्टोरेज पर आ जाता हूँ, आने के बाद यहाँ पर सिंपली गाइस मैं डाउनलोड वाले पे क्लिक करता हूँ। डाउनलोड वाले पे जैसे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर देख सकते हो लाइन से गाइस जो मेरा फोटो वीडियो पहला ऊपर में एक सॉन्ग है, जस्ट इसमें भी एक सॉन्ग है, देख सकते हो जस्ट मैंने इसको भी लाइन से कर दिया, इसको भी लाइन से कर दिया। तो सिंपली गाइस यहाँ पर दोनों दो आपको स्क्रीन रिकॉर्ड दिख रहे होंगे, तो दोनों फ़ोन में देख लो गाइस आपको किस तरीके से मिलता है ये। तो सिंपली गाइस मैं आपको बता दिया है इस तरीके से अपना डेटा हो सकता है। सो सिंपली गाइस इसमें आपको जितने भी सारे फोटो मिल जाते हैं वो इस फोन में मिलता है, इस फोन का डेटा इस फोन में आ जाता है। ये मैंने डाटा ट्रांसफर करना बता दिया। अब आपको डेटा ट्रांसफर करना कैसे, छोटा सिंपल सा मेथड है, जो आप इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेना, उससे आपका डेटा हो जाता है। एंड सिंपली गाइस इस मेथड को फॉलो करके आप अपने फ़ोन को भी चार्जिंग पे लगा सकते हो। जस्ट अगर आपका गाइस कंप्लीट अभी तक गाइस आपके कनेक्ट नहीं हुआ होगा, ठीक है, सिंपली गाइस ऊपर से स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर गाइस आपको एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर Samsung एंड्रॉइड फ़ोन कनेक्ट है। अगर आपके फ़ोन में नहीं हुआ होगा तो सिंपली सेटिंग में आना होगा, दोनों फ़ोन के मैं सेटिंग में दिखा देता हूँ अभी। सिंपली गाइस मैं Samsung फ़ोन के इसमें गाइस यहाँ पर देख सकते हो USB फाइल टू ट्रांसफर डेटा यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर चार्जिंग 21% है, जो 20% था 1% चढ़ गया एंड मेरे फ़ोन से कम हो गया 1%। तो सिंपली गाइस इस फ़ोन के भी सेटिंग में जाता हूँ, यहाँ पर सिस्टम सेटिंग, इस फ़ोन के भी सिस्टम सेटिंग में जाता हूँ, यहाँ पर गाइस डेवलपर ऑप्शन में आता हूँ, इसके भी डेवलपर ऑप्शन में आता हूँ। सिंपली गाइस नीचे थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना होगा तो एक ऑप्शन मिलता है आपको, जस्ट दोनों फ़ोन में आपको स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करने के बाद डेवलपर ऑप्शन हर किसी के फ़ोन में अलग अलग नहीं होता गाइस, एक ही जैसा होता है। सिंपली गाइस ये वाला जो फोल्डर देख सकते हो, ये USB हब का जैसे थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा ब्लैक शेडोज करके तीर का निशान, वहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर देखना आपके फ़ोन में यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र मतलब ये ट्रांसफ़र फाइल का ऑप्शन सिलेक्ट रहना चाहिए, ठीक है, इससे ही होगा आपका फाइल ट्रांसफ़र।
यहाँ पर से गाइस देख ही सकते हो मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था। एक छोटा सा बच्चा जो आके मेरे वीडियो को खराब कर रहा था उसको मैं थोड़ा डांट के आया। सिंपली गाइस यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर नो डेटा ट्रांसफर पर क्लिक रहेगा। यहाँ पर ऊपर देखना गाइस आपको ट्रांसफर फाइल यहाँ पर सिलेक्ट रहना चाहिए तभी आपका ये काम करेगा। एंड ये गाइस 100% डेटा ट्रांसफर करने के लिए काम होता है। जब मैं यूट्यूब पर पहली बार ये वीडियो लेके आया एंड कई सारे वीडियो भी मिल जाएंगे। एंड ऊपर देखना गाइस यहाँ पर मेरा सैमसंग फोन अभी कनेक्ट है, चाहे तो मैं सैमसंग फोन से अभी मेरे दूसरे फोन को भी कनेक्ट कर सकता हूँ इजिली। तो गाइस ये वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है एंड इसी तरह के कंटेंट देखने के लिए कर देना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।